हरियाणा के मंत्री मनीष ग्रोवर ने सपना चौधरी पर दिए गए दिग्विजय चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका परिवार महिलाओं को इज्जत नहीं करता। दिग्विजय चौटाला ने व्यक्तिगत सपना चौधरी पर आरोप लगाए हैं कि सपना चौधरी का राजनीतिक क्षेत्र हो या निजी काम अपना रहन सहन है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय चौटाला इस मामले में सपना चौधरी से माफी मांगे। उन्होंने दिग्विजय चौटाला के भाजपा के सभी मंत्रियों को डोप टेस्ट करवाने के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले वे अपने परिवार का डॉप टेस्ट करवाएं, हमारी चिंता छोड़ दें। मंत्री मनीष ग्रोवर आज सिरसा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस जज्बा और इनेलो पर भी कई हमले किए। भारतीय जनता पार्टी जो 10 की 10 लोकसभा में जीती और आने वाले समय के विधानसभा का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है उन काम पर हमने जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद से ही हम 75 पार नौ सरकार। सर आप रोहतक से हैं, रोहतक से रुपिंदर सिंह हुड्डा भी है, चुनाव लड़ेंगे तो क्या स्थिति देखेंगे? हालात लोकसभा में देखिए आपको स्थिति विधानसभा में क्या स्थिति, जो लोकसभा में स्थिति देखी है भूपिंदर की वही रही। क्या मुद्दे लेके चलना चाहते हैं? जो हमने जनता की सेवा की है, जो प्रदेश में लूट कसूट भाईचारा तोड़ने का पिछली सरकार भ्रष्ट सरकार भाई भतीजावाद स्वयलू सरकार जो पिछली थी उससे हटकर माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश में काम किया, सबका साथ सबका विकास, उस तर्ज पर हरियाणा की जनता से हम आने वाले समय के अंदर 75 पार मनोहर सरकार। अपने 75 पार का जिस तरह नारा दिया तो अगर विपक्ष की बात करें चाहे कांग्रेस हो इनेलो जेजेपी तो क्या इनमें से किसी को चुनौती मानते हैं इस नारे को? अब मैं तो जो स्थिति है एक दल है जो परिवार का दल था वो खत्म हो गया, दूसरा दल नेशनल दल था उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस्तीफा दे दिया और उसके कहने पर भी कोई देने को तैयार नहीं बैठा, पूरे देश में उसने मांग करी कि तुम भी इस्तीफा दो, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। आज हालात कांग्रेस की भी चिंताजनक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह 2.5 करोड़ की जनता में सेवा की है उस सेवा के संकल्प पर हमें विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा। चंडीगढ़ का एक बार फिर मुद्दा बाहर निकला है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया तरुण दलाल ने कि चंडीगढ़ पंजाब को देना चाहिए या इस तरह से सुखबीर बादल ने लोकसभा में इस तरह उठाया है, तो इस पर आप क्या कर सकते हैं? कांग्रेस की सोच अपने स्वार्थ की सोच है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जब पंजाब में जाते हैं तो वो कहते हैं एसवेल का पानी नहीं चाहिए और करण दलाल जो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा का रिश्तेदार भी है उनकी सोच भी वही है, चंडीगढ़ हमारा है रहेगा, कोई हरियाणा का हक नहीं खो सकता। और सब दुष्यंत चौटाला ने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि जो रोजगार मेरा अधिकार यानी हरियाणा के जो उद्योग है चाहे निजी क्षेत्र है उनके अंदर 75% हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आंदोलन करने की बात कही, तो आप इस पर क्या करना चाहते हैं? 52 साल के हरियाणा 5 साल हमारे लगा लो अब लगभग 2 महीने बाद, 47 साल के अंदर उनके दादा भी रहे और दादा भी रहे, कितने हरियाणा के नौजवानों को काम दिया होगा, हिसाब जनता मांगना चाहती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज मेरा जो मानना है हमने सरकारी पदों पे 1 लाख से ऊपर नौजवानों को भर्ती किया है और आने वाले इस 2 महीने का जो समय है और भर्तियां होंगी और इसके बाद उद्योगों में अलग जो सड़कें बन रही है अलग और ऐसे करके इस टाइम 2.5-3 लाख नौजवान हमारी 5 साल के नौजवानों को काम दिया है। दिग्विजय चौटाला का बयान है कि बीजेपी के सभी मंत्री डोप टेस्ट करवाएं तो भाग जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि मैं डोप टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, वो टेस्ट अपने पहले परिवार का करा ले, हमारी चिंता न करें। एक सर लास्ट सवाल है, सपना चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विवाद बन गया, कल दिग्विजय चौटाला ने अपना नोटिस का जवाब भी दिया महिला आयोग को, तो महिला आयोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है? ये परिवार महिलाओं की इज्जत नहीं करता, उन्होंने व्यक्तिगत उस पर आरोप लगाया, इसलिए उसका कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में हो किसी भी काम हो उसका निजी अपना एक रहना सहना है,
इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। महिला के प्रति उन्होंने जिस तरह शब्द कहे हैं, मैं समझता हूँ उसको समाज माफ नहीं करे। बुलंद टीवी के लिए सिरसा से दिनेश खनगस की रिपोर्ट।